जय सनातन, जय श्री राम। आज मैं अपने महाकाव्य नव राम गाथा के नवे भाग, नवे खंड, मंथरा खंड का वाचन करने जा रहा हूँ। यह भी दो भागों में है। प्रथम भाग प्रस्तुत है। कैकेयी चेज मंथरा भ्रमण हेतु निकली है बाहर, हाट वाट घर सजे हुए हैं, नगर लग रहा अतिशय सुंदर। जनजन में उत्साह भरा है, जनमन में उत्साह भरा है, देख अयोध्या को अति पुलकित, चेरी मंथरा आज है चकित। जिधर भी देखो चहल पहल है, हर घर दिखता राजमहल है, भांति भांति के सजे हैं तोरण, उत्सव में लगता है हर क्षण। कौशल की यह दशा देखकर आज मंथरा बहुत चकित है, बिना पर उत्सवमय नगरी देख मंथरा बहुत थकित है। कौन सा उत्सववान पड़ा है, जिस हेतु यह नगर सजा है, मन में शंका रोप रही है, यही मंथरा सोच रही है। बहुत विचार किया निज मन से, थककर पूछ लिया एक जन से, कहो नगर क्यों सजा रहे हो, उत्सव बाजे बजा रहे हो। हंसकर बोला अवध नागरिक, क्या यह तुमको पता नहीं है। कुंवर राम युवराज बन रहे, इसी हेतु यह पूरी सजी है, और तनिक क्षण रुक जाओ ना, अभी नगर में दीप जलेंगे, पूर्ण नगर उत्सवमय होगा, हम सब सारी रात जगेंगे। हे वीर सत्वर, रात बिताएं, शीघ्र ही कल्प का प्रात दिखाएं, सब मन में आनंद भरेंगे, राम मेरे युवराज बनेंगे। यह सुन मंथरा हुई है सन्न, क्रोध से भर गया उसका मन उस मृग सा दौड़ा, मानो व्याध ने तीर छोड़ा। पूर्ण नगर अब चहक रहा है, पर मंथर उर दहक रहा है, हुई मंथरा बहुत दुखी है, यमे उसके ज्वालामुखी है। क्रोध घृणा का वेग बढ़ा है, वह तन से अति कांप रही है, मानो काली नागिन फूंके ऐसे ले वह श्वास रही है। पहुंची है वह कैकेयी सम्मुख, कैकेयी अब हुई है उन्मुख, मंथर तुम क्यों कांप रही है, क्यों उचित तुम्हारा स्वास्थ्य नहीं है। कांप रही हो तुम तो वैसे जैसे हो कोई विपदा आई, और विपदा के प्रबल ताप से तुम तो पूर्ण भांति झलसाई। मंथर बोली सुनिए रानी, कैके से तो साथ हूँ आई, तब सेवा में कुबड़ी बन गई होती मेरी जगत हंसाई, मेरा तो सब कुछ तुमसे है पर तुमको नहीं पड़े दिखाई, राजमहल में तुम बैठी हो तेरे द्वार तक विपदा आई। विपद गिरी है टूटने वाला, भाग्य है तुमसे लूटने वाला, आज कैके नहीं तो संभली सुख कांच भवन है टूटने वाला। जैसे ज्येष्ठ की भीषण गर्मी नदियों को जलहीन बनाती, वही घटित होने वाला है, हे रानी तुम क्यों मुस्काती। आज रात कुछ नहीं किया तो फिर कल से तुम हाथ मलोगी, कल सब सुख छिन जाएगा यदि आज हाथ पर हाथ धरोगी। मंथर के इन वचनों से कैकेयी भी अशांत हुई, उनके मन का धीरज डोला, कैकेयी भी क्लांत हुई। कैकेयी ने कहा विकल हो, राज्य में सब मंगल तो है ना, महाराज है मेरे सुरक्षित, उनको कोई कष्ट नहीं ना। मेरे राम लखन कैसे हैं, सुखी तो हैं उनकी माताएं, हे विद सबकी रक्षा करना, हाथ जोड़ हम तुम्हें मनाएं। बोली मंथरा अति भोली हो, यह क्या विद से मांग रही हो, जो तेरे हित में बाधक है उनकी कुशलता मांग रही हो। नया नया संदेश सुना है या कानों में ठूसी रुई, परिवर्तन है आने वाला, और तू अति उन्नीदी हुई। कल राम युवराज बनेगा और भावी महाराज बनेगा, फिर सोचो तेरा क्या होगा, कौशल्या का काज बनेगा। आज रात यदि बीत गई तो जो सूरज कल से आएगा, कान खोल कर सुन लो रानी, वह बस तुझको झुलसाएगा। कैकेयी ने कहा हंसकर चेरी यह संदेश पुराना, राम मेरा युवराज बनेगा यह तो मैंने मन से माना। मेरा राम है प्रियदर्शी, सब भावों में है समदर्शी, राम मेरा युवराज बनेगा मेरी भी इच्छा बहुवर्षी। कल तो राम युवराज बनेगा, आगे चल महाराज बनेगा, ऐसे राज करेगा प्रियसुत, अमर राम का राज्य रहेगा। सुंदर सा संदेश हिलाई, फिर क्यों मुख पर व्यथा है छाई, ओह तुझे नहीं नेग मिला है अब तक नहीं छावर पाई। हे मंथर अपना मुख खोलो, जो चाहो तुम मुझसे ले लो, राम मेरा युवराज बनेगा, शुभ क्षण में तुम अशुभ न बोलो। मंथर ने निज माथा पीटा और कही मेरा भाग्य ही फूटा, मेरा दुर्दिन आने वाला, रानी से विवेक है रूठा। बुद्धि आपकी भ्रष्ट हुई है तभी राम आसक्त हुई है, शीघ्र ही वह क्षण आने वाला, दुखमय दिन दिखलाने वाला, चित होने से पहले चेतो, अपना पूर्ण ज्ञान समेटो।
चित होने से पहले चेतो अपना पूरा ज्ञान समेटो, अपने हित की रक्षा कर लो, तब जाकर संसार की सोचो। अपना तो अपना होता है और शेष सपना होता है, दूजों को अपना लेने से क्या वह जन अपना होता है। भरत तुम्हारा अपना सुत है और राम कौशल्या सुत है, कौशल्या है शब्द तुम्हारी, क्या वह होगी तव हितकारी। कल जो राम युवराज बनेगा कौशल्या का काज बनेगा, यही राम आगे चल करके कौशल का महाराज बनेगा। अब तो कौशल राम का होगा और कुशल भी राम का होगा, कौशल्या की देखो कुशलता सब कुछ उसके नाम का होगा। कल टीका यदि हुआ राम का कौशल्या का मंगल होगा, हे रानी तुम पलंग ही तोड़ो मेरे भरत का मंगल होगा। एक बार सोचो निज मन में मेरा इसमें लाभ भी क्या है, मैं तो चरणों की दासी और जीवन में रखा क्या है। कौशल्या का मन उपवन तो फूले नहीं समाता होगा, भले हो रहा आज दीपोत्सव उसको नहीं सुहाता होगा। चाह रही होगी कौशल्या अति सत्वर यह रहना बीते, और शीघ्र अरुणोदय होवे राज तिलक की पूर्ण हो रीते। पर मेरा मन क्षुब्ध हो रहा और आप पर क्रुद्ध हो रहा, आप कैसे निश्चिंत हुई हो भरत का पथ अवरुद्ध हो रहा। सोच रही हो रानी जैसा कल से नहीं रहेगा वैसा, आज रात यदि बीत गई जो जीवन रहेगा जीवन होगा ऐसा तैसा। माना कि तुम रूपमती हो पर उतनी नहीं बुद्धिमती हो, जितनी कुशल कौशल्या रानी उसके आगे भरोगी पानी। जैसा कि तुम मान रही हो नृप तेरे बस है में है रहते, बस तेरा मन रखने हेतु ठकुर सुहाती बातें कहते। तेरे यौवन पर कैकेयी माना नृप आशक्त हुए हैं, निज भोगों के हेतु कैकेयी वे तुझ पर अनुरक्त हुए हैं। माना तेरे चंद्रवदन को नित्य निहारा करते हैं, कैकेयी तुम यौवन देवी सो भूप तुम्हारे भक्त हुए हैं। कौशलाधीश का यह कौशल तो मुझे समझ में आता है, कौशलाधीश का यह कौशल तो मुझे समझ में आता है, बस स्वार्थ प्रेम में जग सारा किसी जन पर प्रेम दिखाता है। कौशल नरेश कौशल वाले बनकर हैं छलने वाले, वह झूठा प्रेम दिखाते हैं और मूर्ख तुम्हें बनाते हैं। तुम समझो वह तुम्हें प्रेम करे पर वे तन मन बहलाते हैं, करे प्रेम अधिक कौशल्या से पर तुम्हें अधिक दिखलाते हैं। तुम तो बस प्रेम में डूबी कौशल्या सब कार्य कर गई, बेटे के युवराज बनाकर अपनी नौका पार कर गई। तेरे इस प्रेम ने रानी मेरे भरत का भविष्य डुबाया, हे विधि क्या मैंने सोचा था और क्या तूने दिन दिखलाया। यह सब सुनकर के ही बोली कुटिल मंथरा अब चुप हो जा, प्राण दंड दे दूंगी तुझको सम्मुख से अब विमुक्त हो जा। रे निर्लज्ज दुष्ट घर फोड़ी नीच बुद्धि तुझे समझ न थोड़ी, मुझसे नाता जोड़ रही है मेरा ही घर फोड़ रही है। यदि तू मेरी दासी न होती जिह्वा तेरी कटवा देती, इतने अनर्गल संभाषण पर प्राण तेरे में हरवा लेती। भाग यहाँ से दूर चली जा पुनः कभी मेरे पास नहीं आ, तेरे हित में अब यह होगा दुष्ट शीघ्र कहके ये चली जाए। इतने दिन तक साथ रही तो मैं ही तुझे पहचान न पाई, मन में कुटिल भाव था तेरे पर सेवा की का ढाल ओढ़ाई। थोड़ा सा सम्मान क्या मिला तू तो मेरे सिर पर नाची, कौशल के इस शुभ अवसर पर दिखा दी अपनी विस्मय झांकी। तेरा रूप कुरूप ही नहीं तू निज बुद्धि से भी चढ़ है, एक कुब तेरे पीठ धरा है दूजा तेरे मन भीतर है। कुछ दिन पहले ऐसा कहती भरत संग कह के भेजती दुष्ट बुद्ध विरूपति, दुष्ट बुद्ध विरूपित को बड़ी तेरा मुँह क्यों नहीं देखती। जितना प्रेम भरत मुझे करता उससे अधिक राम है करता, और भरत निज भाई राम का तात समान है आदर करता। जाने क्या तेरी मत में आया जो तूने यह विष फैलाया, ऐसा कर अब विमुक्त हो जा समझ काल तेरा है आया। नीच व्यक्ति यदि मन में ठाने तो वह सत्वर हार न माने, सभी पथों को वह अपनाता विविध भांति के घात लगाता। कही वही नीति मंथर अपनाई अब भी तनिक लाज नहीं आई, दिखा दिया निज बाक चातुरी अपनी विकृति बात बनाई। वह बोली मुझे क्षमा दो देवी यदि हो गई कोई त्रुटि हो मुझसे, अब मेरे मन में क्षोभ भरा था वही निकल गया मेरे मुख से। हे देवी मैं तो चेरी हूँ पाली हुई कुटिया हूँ तेरी, हे देवी मैं तो चेरी हूँ पाली हुई कुटिया तेरी हूँ, आपसे मुझको भोजन मिलता और मेरा जीवन है चलता। जिसका जो खाता गाता है जग में शाश्वत यह नाता है, हे रानी मैं आपकी खाती इसी हेतु तब हित हूँ गाती। क्षण मेरे विपरीत चल रहे होम कार्य में हाथ जल रहे, अब मैं भी चुप हो जाऊंगी ठकुर सुहाती बतियाऊंगी। सत में मैं हूँ बुद्धि से वंदित तभी तो विधि से हुई मैं दंडित।
विधि ने मुझे विरूप बनाया, साथ पीठ पर कूप बिठाया। अब तो मैं चुप रहूंगी रानी, किसी को लाभ हो चाहे हानि। हित चिंतन में हुई अपमानित, आज हो रही निज से गिलानी। मेरा आपका नहीं कोई नाता, पर मैं आयु से हूँ तो माता। यदि मैं आपका नहीं तो सोचो दंडित करेगा मुझे विधाता। जीवन भर की जिसकी सेवा उसकी मुझे चिंता खाती है। इसी हेतु यह चेरी मंथर तव तुझको तव हित बतलाती है। मेरे जले हुए तन मन पर रानी आपने नमक है छिड़का। तव हित की बातें करने पर मुझको है कुत्तों सा छिड़का। रानी मैं तेरी कुतिया हूँ, छोड़ तुम्हें मैं नहीं जाऊँगी। मारो या पुचकारो मुझको, मैंने पुच्छ ही लाऊंगी। जग्गा हर कुत्ता यही सोचे, स्वामी मेरा चहुँ और बढ़े। कुत्ते का बस स्वार्थ यही है कि उसके दो कौर बढ़ें। भला किया है मेरी रानी, मुझे मेरा स्थान दिखाया। हाथ जोड़कर क्षमा मांगती, मैंने आपका हृदय दुखाया। रानी मेरा स्वार्थ यही था, भरत मेरा युवराज बने। मैंने जिसको पाला पोसा वह कौशल का महाराज बने। हे रानी कोई राजा हो, चेरी तो चेरी रह जाती। भले धूल क्षण भर है उड़ती, अगले ही क्षण नीचे आती। मानो भरत युवराज है बनता, कौशल का महाराज है बनता, तो इससे किसका हित होता, किसका मंगल काज है बनता। महाराज होगा जिसका सुत वह कहलाएगी राज माता। यह उत्थान आपका होगा, मैं तो रहूंगी दासी विधाता। महारानी तब हित के हेतु मैंने मुख से पाप किया है, मेरी धृष्टता क्षमा कीजिए। मैंने अति अपराध किया है, भले ही मेरा मन पापी है, पर वह आपका हित साथी है। मैंने तो तब हित ही बिचारा, भले आपने मुझे दुत्कारा। आपको कोई कष्ट सताए उससे पहले हम मर जाएं। मेरी शेष आयु है रानी, देव करें तुमको लग जाए। बिलख मंथरा नेत्र पोंछती, निज नयनों के अश्रु रोकती। अश्रु को वह भी रोक न पाई, निज हाथों से छड़ी उठाई। हे महारानी मैं चलती हूँ, क्षमा मेरे अपराध करें। आप बहुत दयालु हैं रानी, यह अपवाद न ध्यान धरें। उठी मंथरा छड़ी टेक कर, पीठ का अपनी कुबड़ लेकर रोकर उसने चरण छुआ है। कह के ही को कुछ तो हुआ है, मन में है पछताती मंथरा। छड़ी टेक कर जाती मंथरा, मन ही मन पीड़ा को सहती, नयन नीर बहाती मंथरा। नमस्ते मित्रों, अब दूसरा भाग प्रारंभ होगा, तो शेष कहानी उसमें आएगी।